वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी बहुत ही ऑर्गेनाइज है इसलिए भी हम लिविंग हैं ब्रेन अपना फंक्शन कर रहा है हार्ट अपना फंक्शन कर रहा है लिवर अपना फंक्शन कर रहा है सो लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली क्या सिर्फ एनिमल्स ऑर्गैनिज्म इस तरीके से जो मैं हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ बोल रही हूँ दिस इज नोन एज मूवमेंट तो येस प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो शो मूवमेंट क्या प्लांट्स लोकोमोशन शो करते हैं नो no, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं बट अगेन टच मी नॉट प्लांट अपोजिट टच आस जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर है उसको यूज करते हैं और फूड का सिंथेसिस करते हैं सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्लांट डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस फोटो मींस लाइट दैट मींस लाइट की प्रेजेंस में कुछ सिंथेसिस हो रहा है सिंथेसिस इज टू कंबाइन कंबाइन कर रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एलन डेटर वी हैव सीन अ लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स अराउंड अराउंडर्स लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग अराउंड अराउंडर्स बट हाउ डू वी नो सम आर लिविंग और सम आर नॉन लिविंग हमें कैसे पता कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है फॉर अ लिविंग थिंग उसे सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है एयर की जरूरत होती है वाटर की जरूरत होती है डोंट वी रिक्वायर फूड टू सरवाइव

ना उन्हें फूड की जरूरत है ना वाटर की ना एयर की सो लेट्स डिस्कस हु आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एंड हैबिटेट द लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है लिवर है ऑर्गन्स है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है स्टमक है पैनक्रियाज है वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी बहुत ही ऑर्गेनाइज है इसलिए भी हम लिविंग हैं ब्रेन अपना फंक्शन कर रहा है हार्ट अपना फंक्शन कर रहा है लिवर अपना फंक्शन कर रहा है सो लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली क्या सिर्फ एनिमल्स ऑर्गेनिजम है नो प्लांट्स एनिमल्स जो भी जिंदा है ऑल आर लिविंग दोज आर नोन एज ऑर्गेनिजम प्लान्ट डिफरेंट करेक्टर्स शो करते हैं कि वो लिविंग है आपने प्लांट को ग्रो होते देखा है यस विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ऑल्सो ग्रो सो हमने उन्हें ग्रो करते देखा है एक आपने प्लांट देखा होगा टच मी नॉट प्लांट जब हम उसे टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है इन एक्सचेंज ऑफ एनी चेंज जैसे हम उसे टच करेंगे उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं तो उन्होंने कुछ शो किया कि यस दे आर लिविंग सो प्लांट्स और एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वॉट इज बायोलॉजी बायो वर्ड रिप्रेजेंट लाइफ एंड लॉज रिप्रजेंट स्टडी यानी कि जब हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी वॉट इज़ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी नाउ देयर आर सम कैरेक्ट्रिस्टिक जो प्रूव करते हैं कि हम लिविंग हैं फर्स्ट थिंग इज़ फूड क्या हमें फूड की ज़रूरत है बिल्कुल ज़रूरत है वेन एवर वी डोंट कंज्यूम हमारी बॉडी में एनर्जी डाउन चली जाती है फूड हमें चाहिए फॉर प्रोटेक्शन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि फूड के वेरियस फंक्शन है वी नो फूड इज रियल इसेंशियल इट इज इसेंशियल फूड हमें एनर्जी दे रहा है फूड की हेल्प से हम ग्रो कर पा रहे हैं हमारी हाइट बढ़ रही है हमारी बॉडी मास बढ़ रहा है हम ग्रो कर रहे हैं मूविंग टू अगर कहीं भी लग जाती है वूंड हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए भी फूड की ज़रूरत है यस फूड रिपेयर में भी इन्वॉल्व होता है एंड फर्दर हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है बॉडी को मेंटेन किए हुए, हुए है हेल्थ को मेंटेन किए हुए है एंड हमें सर्वाइव करने के लिए भी फूड की जरूरत होती है मूविंग टू फॉर ग्रोथ क्या हमें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है बिल्कुल अगर जो ग्रो कर रहा है क्या वो एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बिंक का बिल्कुल अगर कोई लिविंग है तो वो ग्रो करेगा वी यूज टू बी एन इन्फेंट लेटर ऑन अ टोड लो फिर हम स्कूल एज तक पहुँच गए एंड नाव आई एम एन अडल्ट तो क्या मैंने ग्रो करा बिल्कुल फ्राम इनफेंट टू टोड लो टू स्कूल एज टू एन एडल्ट मैंने ग्रो करा आप ग्रो कर रहे हो तो यस yes, हम ग्रो कर रहे हैं यस वी आर लिविंग थिंग मूविंग टू मूवमेंट वी ह्यूम शो मूवमेंट प्लस लोकोमोशन हम जैसे ये हैंड का मूवमेंट ये हैंड मेरे मूव कर रहे हैं दिस इज मूवमेंट एंड अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं इफ आई मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दिस इज नोन एज लोकोमोशन सो चल के जाना मूव करना इज लोकोमोशन एंड इस तरीके से जो मैं हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ बोल रही हूं दिस इज नोन एज मूवमेंट तो यस प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो शो मूवमेंट क्या प्लांट्स लोकोमोशन शो करते हैं नो no, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं बट अगेन टच मी नॉट प्लांट अपने टच करते हो तो लीव्स क्लोज हो जाती हैं प्लांट की रूट्स सॉइल में इंटरनली ग्रो कर रही है यानी कि टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रही है जो प्लांट का अबव सरफेस है जो शूट पार्ट है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है सन फ्लावर का जो फ्लावर है वो सन के आते ही सनलाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ये क्या है ये मूवमेंट जो एक प्लांट भी शो करता है

Two terms you will study in further classes excretion and ejection. एक्सक्रीशन एंड इजाशन। इन एक्सक्रीशन जो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से वेस्ट बाहर जा रहा है वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर जाना बहुत जरूरी है एंड अगर यूरिन की फॉर्म में जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे एक्सक्रीशन अगर बॉडी से वेस्ट चूल की फॉर्म में फीसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं इजैशन तो बॉडी से वेस्ट का बाहर जाना इस्ड एक्सक्रीशन यस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वोविंग टू रीप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यानी कि री मतलब वापस एंड प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस करना तो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस करना यंग वंस प्रोड्यूस करना दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन सो यस रिप्रोड्यूस भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं रिस्पॉन्ड टू स्टमलाई भी है ग्रो भी कर रहे हैं मूवमेंट भी शो करते हैं और फूड की जरूरत भी है मूविंग टू दे ऑल्सो शो रेस्पिरीशन इन रेस्पिरीशन एक मेजर डाउट रहता है बच्चों को दैट इट इज ब्रीदिंग बट इट इज नॉट एज ब्रीदिंग वॉट इज ब्रीदिंग गैशियस एक्सचेंज जिसमें इन टेकिंग ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एंड ऑक्सीजन को अंदर लेना वेन यू आर टेकिंग एयर इन साइड हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीजन बॉडी के काम की है एंड सी यू टू को बॉडी से बाहर निकालना एज ब्रीदिंग आउट यस yes. सो so, ये जो गैशस एक्सचेंज है इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं बट जो ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हुई उस ऑक्सीजन को यूज करके फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं हमें पता है वो एनर्जी देता है बिल्कुल बट जब उस फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है एंड तब वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इससे रेस्पिरेशन कहा जाता है सो so, फूड से एनर्जी कब मिलेगी जब बॉडी में ऑक्सीजन होगी और वो ऑक्सीजन किस प्रोसेस से आ रही है ब्रीदिंग प्रोसेस से आ रही है रेस्पिरेशन जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है मूविंग टू लाइफ स्पैन हर लिविंग थिंग का एक लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन है the so yes, प्रूव कर रहा है वाई इज फूड नीडेड क्या फूड की सच में इतनी जरूरत है बिल्कुल we have about this in the also, कि food body के लिए बहुत जरूरी है एनर्जी का सिंथेसिस ग्रोथ कराना लाइफ को मेंटेन रखना सरवाइव रखना प्रोटेक्ट करना रिपेयर करना दीज आर जनरल फंक्शंस ऑफ फूड सो यस फूड इज रिक्वायर्ड फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ऑर्गेनिज्मेंशियल फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड एनर्जी जनरेशन फूड से एनर्जी जनरेट हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फूड रिपेयर कर रहा है कहीं भी लग जाना कट लग जाना वून लग जाना बूंद को रिपेयर करना कट को रिपेयर करना दीज आर फंक्शन ऑफ फूड एज वेल एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ग्रोथ लाइफ प्रोसेसेज एंड डेली एक्टिविटीज़ जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन कर रहा है एनिमल्स कर रहे हैं प्लांट्स कर रहे हैं उन सब के लिए क्या रिक्वायर है फूड रिक्वायर है फूड एनर्जी दे रहा है ग्रोथ करा रहा है मेंटेन रख रहा है सर्वाइव करा रहा है सो ऑल लाइफ प्रोसेसेज एंड डेली एक्टिविटीज आर ऑल बिकॉज ऑफ फूड वी आर कंज्यूमिंग वाटर वी आर इन टेकिंग एंड एयर वी आर ब्रीदिंग मूविंग टू मोड ऑफ इनटेकिंग फूड हाउ मेनी मोड इन टेकिंग्राफिक एंड हिट्रोट्राफिक देयर आर सम्रीचर्स ऑन दिस प्लान कैन क्रिएट देयर ओन फूड हू कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड सच आर टर्म्ड एज ऑटोट्राफिक और आप क्या कह सकते हो इन्हें प्रोड्यूसर जो फूड खुद प्रोड्यूस कर सके मैन्युफैक्चर कर सके उन्हें हम क्या कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं दे आर प्रोड्यूसर एंड सच आर नोन एज ऑटोट्राफिको जैसे कि प्लांट्स हम प्लांट से राइस ले रहे हैं पल्सेस ले, ले, ले रहे हैं सीरियल्स ले रहे हैं ऑयल ले रहे हैं यस yes, फ्रूट्स ले रहे हैं वेजिटेबल्स ले रहे हैं यानी कि फ्रूट्स तो फूड uh, तो खाना बना ही लेंगे प्लांट्स प्लांट्स तो फ्रूट फूड बना ही लेंगे सो दे आर ऑटोट्रॉफ क्या हम ये सिंथसाइज कर सकते हैं नो no, हम फूड को एक्वायर कर रहे हैं प्लांट्स से एंड फिर हम उसका कंजप्शन कर रहे हैं हम उसे कुक कर रहे हैं या फिर उसका डायरेक्टली इंटेक कर रहे हैं सो देअर आर सम फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं दोज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ जो ऑटोट्रॉप पर डिपेंडेंट है क्योंकि हम खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सो सच आर नोन एज हिट्रोट्रॉप और दे आर शोइंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे आर कंज्यूमर जो खाने को कंज्यूम करें डायरेक्टली जो मैन्युफेक्चर ना करें सच आर नोन एज कंज्यूमर सो लेट्स नो मोर अबाउट दैम हु आर ऑटोट्रॉप ऑर्टोट्रॉप आर लाइक प्लाट्स जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज़ कर सकते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। सो प्लांट को ऐसा क्या चाहिए जिससे वो फूड का सिंथेसिस कर लेता है प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के वो ग्रीन पार्ट्स में एक कलर गिविंग कंपाउंड पाया जाता है दैट इज़ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस कहाँ है ओन ग्रीन पार्ट्स में तो यहाँ आप याद रखिएगा ये आप सेवन क्लास में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है एंड वो ग्रीन अपियोरेंस क्यों आ रहा है क्योंकि उस ग्रीन पार्ट में क्या है क्लोरोफिल है कहाँ क्या है वहाँ पर दैट इज़ क्लोरोफिल अब उस क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पर फूड का सिंथेसिस हो पा रहा है और वॉट दे रिक्वायर दे रिक्वायर फोर थिंग्स वन थिंग इज क्लोरोफिल जो ऑलरेडी है दे रिक्वायर एनर्जी सोर्स दैट इज़ सन एंड जो सन लाइट है इसको यूज करते हैं और फूड का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर है उसको यूज करते हैं और फूड का सिंथेसिस करते हैं सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्लांट डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस फ़ोटो मींस लाइट

ज फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में फूड का मैन्युफैक्चर होना सनलाइट so जरूरी है और प्लांट को ऐसा एक्स्ट्रा क्या मिला हुआ है कि वो फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं सनलाइट तो हमारी बॉडी पे भी बढ़ रही है सीओ टू तो हमारे आस पास भी है वॉटर तो हम भी ड्रिंक कर रहे हैं बट हम फूड का मैन्युफेक्चर क्यों नहीं कर सकते द रीजन इज वी डोंट है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द्लांट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मीन्स ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट्स का उनमें एक पिगमेंट एक कलर गिविंग कंपाउंड पाया जाता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल की प्रेजेंस से सनलाइट को यूज कर पा रहे हैं प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल है और जो ग्राउंड में वाटर है उस वाटर को ले रहे हैं फ्रॉम सॉयल और अंडरग्राउंड वाटर उस वाटर को ले रहे हैं और उस पानी को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं फूड का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं फ्रूट्स बना पा रहे हैं सीरियल्स बना पा रहे हैं पल्सेस बना पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जनरेट क्या होता है फूड जनरेट होता है एंड उसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं शुगर सो वहाँ शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है और हमने ये भी बहुत बार सुना है कि ऑक्सीजन प्लांट्स लिबरेट करते हैं क्या हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं नो वी कांट सो वो ऑक्सीजन देने वाली प्रोसेस कौन सी है फोटोसिंथेसिस और कर कौन रहे हैं प्लांट्स सो प्लांट्स के पास क्या है क्लोरोफिल दे आर यूटिलाईजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर एंड सनलाइट और वो क्या प्रोड्यूस कर अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में और क्या हो रहा है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है जो की बॉडी के लिए बहुत जरूरी है यस मूविंग टू हिट्रोट्रॉफ हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आप इन्हें क्या कह सकते हो कंज्यूमर्स कह सकते हो कंज्यूमर्स कौन है जो इस फूड को नहीं बना सकते सो so, वो डायरेक्टली उस फूड को लेंगे कहीं से प्लांट्स से हम फ्रूट्स ले रहे हैं वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो हम कौन हैं कंज्यूमर्स हैं चाहे हरबी वॉर हो चाहे कार्डि वॉर हो चाहे उमनी वॉर हो वी ऑल आर कंज्यूमर जो फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सो मोड ऑफ इन टेकिंग फूड फर्स्ट वन इज हिटरोफ़ हिट्रो वर्ड रिप्रेजेंट डिफरेंट एंड ट्रॉफ वर्ड रिप्रेजेंट फूड और आप इसे कह सकते हो नरिशमेंट यानी जो एनिमल्स हैं वो किसी और पर डिपेंडेंट है फॉर देर नरिशमेंट सो एनिमल्स जो अपना फूड खुद सेंतीसाइज़ नहीं कर सकते ह्यूमन्स जो अपना फूड खुद सेंतीसाइज नहीं कर सकते हम सब कौन है कंज्यूमर्स हैं हु आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट मोड ऑफ नरिशमेंट जो किसी और से फूड लेंगे वी आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड हु आर ऑटोट्रॉप्स जो अपने को सेल्फ नरिश कर सकते हैं सेल्फ नरिश जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट जो ग्रीन लीव्स है जो ग्रीन पार्ट है, है? ऐसा क्या क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सो ऑटो मीन सेल्फ ट्रॉफ मीन फूड और नरिशमेंट सो और प्रोड्यूसर्स नाउ ग्रोथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड जरूरी है फूड का प्रोडक्शन ऑटोट्रॉफ्स कर सकते हैं हिट्रोट्रॉप नहीं कर सकते पर तो फूड लेने के लिए हिट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज ग्रोथ क्या लिविंग थिंग ग्रो करते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं यस ग्रो मीन्स इंक्रीज इन साइज साइज में बढ़ना ग्रोथ मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ रहा है सो so, क्या सारे लिविंग बिंग ग्रो करते हैं बिल्कुल करते हैं प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं एनिमल्स भी ग्रो कर रहे हैं जो यंग वंस हैं ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स दे ग्रो एंड बिकम बिगर इन साइज विद द दैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है वहां पर आप देखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होते हैं सीड से टॉल ट्री का बनना प्लांट का बनना इज ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंट टू टोडलो टू स्कूल गोइंग एज टू एन एडल्ट यहाँ पर भी तो ग्रोथ हो रही है सो so, यहाँ यंग वंस विद टाइम ग्रो कर रहे हैं दिस इज ग्रोथ अ कैरेटिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग

वो सेल जो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर सकता है जैसे ही वो साइज में नंबर में बढ़ेंगे इंक्रीज so, करें एंड वॉट अबाउट नॉन लिविंग थिंग क्या उन्हें फूड की जरूरत थी नो no. क्या उन्हें एयर की जरूरत है ना उन्हें वाटर की जरूरत है दे विल नॉट ग्रो अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ग्रोथ इन प्लांट्स ऑब्जर्व की है बिल्कुल सीड्स से इस तरीके से रूट्स का निकलना फिर शूट का निकलना दैट इज स्टेम का आना फिर ब्रांचेस होना फ्लावर्स फ्रूट्स एवरीथिंग दैट इज बिकॉज क्योंकि यहाँ ये सीड कैपेबल है कि एक प्लांट बना सके और एक प्लांट ग्रो कर सके सो यस वी हैव सीन ग्रोथ इन प्लांट्स मूविंग टू वॉट अबाउट ह्यूमस एंड एनिमल्स बिल्कुल उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है वो भी ग्रो करते हैं एंड विद टाइम दे विल डाई सो यस ह्यूमन्स भी ग्रो करते हैं एनिमल्स भी ग्रो करते हैं एज वेल एज प्लांट्स भी ग्रो करते हैं

एयर yes, की जरूरत है यस yes, वाटर की जरूरत है यस वो लिविंग है उन्हें सर्वाइव करने के लिए इनकी चीजों की जरूरत है सो ऑल वाटर एयर एंड सच आर लिविंग थिंग्स और जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है फूड की वाटर की एयर की इन्हें आप क्या कहोगे नॉन लिविंग थिंग कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैटिकिविंग थिंग दे रिक्वायर फूड एयर वाटर टू ग्रो Yes, definitely. जी हाँ उन्हें फूड की एयर की वाटर की जरूरत है टू ग्रो टू सेवाइव दे नॉट मूव बाय दैम सर क्या हम मूव नहीं कर सकते बिल्कुल आई एम शोइंग दिस मूवमेंट प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं बिल्कुल शो करते हैं तो दिस इज नॉट द कैक्टिस्टिक दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दै बिल प्लांट एज वेल एज हम भी कोई टच करता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं सो यस वी कैन रिस्पॉन्ड एंड दे है उट वेरियस लाइफ प्रोसेस क्या फूड की हेल्प से हम ग्रो कर रहे हैं ये yes. क्या फूड की ही हम डेली एक्टिविटीज कर पा रहे हैं एनर्जी मिल्ट्री प्रोटेक्ट हो रहे हैं रिपेयर कर रहे हैं बिल्कुल सो फूड गिवस द मटीरियल ताकि हम ग्रो कर सकें और एनर्जी मिल सके एंड एनिमल्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड सो आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एनिमल्स अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सो so, हम उन्हें क्या बोलते है? है. हैं हिट्रोट्रॉफ कहते हैं दे आर हिटरोट्रो वर्ड इज अदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज अदर्स एंड ट्रॉफ वर्ड रिप्रेजेंट नरिशमेंट यानी कि वो औरों पर डिपेंडेंट है फॉर देयर नरिशमेंट सो आर कॉल्ड और कंज्यूमर सो दैट्स ऑल थैंक यू सो मच